दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है चीन में थ्री चाइल्ड पॉलिसी को मिली मंजूरी। चीन ने हाल ही में घोषणा की है कि अब प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। हाल के आंकड़ों में चीन की जन्म दर में नाटकीय गिरावट को देखने के बाद यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान इस बदलाव को मंजूरी दी गई थी। 2016 में चीन ने अपनी दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिप्लेस कर दिया था। वन चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए की गई थी। 2 बच्चों की पॉलिसी के बाद भी जन्म में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण चीनी शहरों में बच्चों की परवरिश की उच्च लागत को बताया जा रहा है। डेटा ने अकेले 2020 के लिए प्रति महिला केवल 1.3 बच्चों की प्रजनन दर को जापान और इटली जैसे वृद्ध समाजों के बराबर दिखाया है।